सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और हमने कहा कि आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं दोस्तों सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। आखिर सिक्कों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों, आज हम वो चीज़ पढ़ने चल रहे हैं। और वहीं अगर आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने सुबह वाली क्लास नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें हम लोगों ने रागा के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और रागा का दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट उसमें डिस्कस किया है। रागा का हमने उसमें पूरा प्रैक्टिस से डिस्कस किया है। पूरा पेपर दोस्तों 15 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें हमने दोस्तों उस बताई हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि जो प्रश्न बनते हैं दो तरह के प्रश्न बनते हैं सिक्कों से संबंधित दोस्तों, दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो हमको रुपये दिया रहेगा, कितना रुपये टोटल हुआ उस पैकेट में, कितना रुपये है। और एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि हमको सिक्कों की संख्या नहीं दी रहती बल्कि सिक्कों का मूल्य दिया रहता है। जैसे कह रहा है कि 378 सिक्कों के मूल्य के अनुपात इतना है। तो दोस्तों ये एक टाइप अलग है और ऊपर जो हमने अभी देखा दोस्तों ये एक टाइप अलग है आपका। तो इसमें दोस्तों दो तरह के प्रश्न बनते हैं, दो तरह के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। और पहला प्रश्न आपका क्या है देखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि किसी थैले में, सुनिएगा, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 हो तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों का की संख्या क्या है। कुछ नहीं करना दोस्तों, जो आपको दिया गया है सिक्कों की संख्या वही लिख लीजिए। मतलब हमको दिया गया है 50 पैसे, हमको दिया गया है 50 पैसे, हमको दिया गया है 25 पैसे, हमको दिया गया है 10 पैसे। जी हाँ दोस्तों, जो आपको दिया गया है आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इनका अनुपात 2:3:5 है। मतलब 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के और 10 पैसे के 5 सिक्के। तब सुनिए दोस्तों, 50 पैसे का अगर भी आपको 2 सिक्का दे दिया जाए तो आपके पास कितना रुपये हो जाएगा बताइए। 50 × 2 = 100 पैसा आपके पास हो जाएगा। उसी तरह 25 पैसे का 3 सिक्का दे दिया जाए दोस्तों तो 25 × 3 = 75 पैसा हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 10 पैसे का 5 सिक्का दे दिया जाए तो 10 × 5 = 50 पैसा हो जाएगा। इसका मतलब टोटल दोस्तों कितना पैसा हो जाएगा हम लोगों के पास, 100 ये है, 50 ये है, 150 और 150 और प्लस 75 करेंगे दोस्तों तो 225 पैसा हो जाएगा। अर्थात दोस्तों हम लोगों के पास 225 पैसा हो गया। प्रश्न में कह रहा था, देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 90 रुपये है टोटल हम लोगों के पास। कितना रुपये है दोस्तों, टोटल हम लोगों के पास 90 रुपये है। और चूंकि 90 रुपये है और रुपये को जब हम सिक्कों में अर्थात पैसों में बदलेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा क्योंकि 1 रुपये = 100 पैसा। तो 90 रुपये = 90 और इंटू 2 जीरो अर्थात 90 100 पैसा। और इसी को अगर दोस्तों 225 से हम भाग देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि हम लोगों के पास कितने सिक्के हैं दोस्तों। अर्थात हम देख रहे हैं दोस्तों इसको अगर काटें तो 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45 और 9 × 1 = 9 अर्थात 1000/25 हो गया दोस्तों। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 40 आ गया। हम देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास 40 आ गया। क्या है ये सिक्कों की संख्या है दोस्तों, ये सिक्कों की संख्या है। अर्थात अब चूंकि 25 पैसे का पूछ रहा था तो 25 पैसे का 3 सिक्का हमारे पास है तो 3 × 40 हो जाएगा, 3 × 40 हो जाएगा दोस्तों बराबर 120 सिक्का। यानी कि 25 पैसे का 120 सिक्का हम लोगों के पास हो जाएगा। वहीं अगर भी पूछता 50 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों तो 50 पैसे का 2 सिक्का है और 40 है तो 2 × 40 अर्थात 50 पैसे के 80 सिक्के हो जाएंगे। उसी तरह 10 पैसे के सिक्के पूछता तो 40 × 5 करते दोस्तों, 4×5 = 20 अर्थात 10 पैसे के 200 सिक्के हो जाते। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, अभी नहीं समझ में आया होगा लेकिन अगला प्रश्न जरूर समझ में आएगा। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देख रहा हूं लाइक बहुत कम है, एक बार शेयर करिए और जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए सब लोग। क्या कह रहा सुनिएगा, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं।
3:4:5 के अनुपात में है। मतलब दोस्तों आपके पास 20 रुपये की नोट है, आपके पास 10 रुपये की नोट है, आपके पास 5 रुपये की नोट है, इनका जो अनुपात है दोस्तों 3:4:5 के अनुपात में है। तो चलिए दोस्तों 20 रुपये की अगर 3 नोट आपको मिल जाए तो कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों, 60 रुपये हो जाएगा। अगर 10 रुपये की 4 नोट मिल जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10×4=40 रुपये हो जाएगा। 5 रुपये की अगर 5 नोट मिल जाए दोस्तों तो कितना रुपये हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हम लोगों के पास टोटल कितना रुपये हो गया, तो 60, 40, 100 और 125 हो गया दोस्तों। अब प्रश्न में कह रहा था कि थैले में 125 रुपये नहीं है, थैले में आपके 1000 रुपये है, तो इसका मतलब दोस्तों 1000 अब बटे 125 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 25×5=125 और 25×4=140 यानी कि दोस्तों 5×8=40। इसका मतलब दोस्तों कि 8 आपको इसका रेशियो मिल गया। तो अगर 20 रुपये का कहेगा दोस्तों, देखिएगा अगर 20 रुपये का कहेगा तो 20×8 यानी कि 8×2=16 160 दोस्तों 20 रुपये का आपका संख्या नोटों की संख्या हो जाएगी। 10 रुपये का नोट पूछेगा दोस्तों 4×8 तो 4×8=32 हो जाएगा दोस्तों 10 रुपये का, और 5 रुपये का पूछेगा दोस्तों 5×8 यानी कि 5×8=40 हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 रुपये की नोटों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 5 रुपये की नोटों की संख्या 40 होगी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। सबसे पहले हमको लिख लेना है कितने कितने रुपए का है, उसके बाद फिर उसको हल कर लेते हैं दोस्तों। आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। जी हाँ दोस्तों, 340 सिक्के हैं। इसका मतलब दोस्तों आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, आपके पास 50 पैसे का सिक्का है, आपके पास 25 पैसे का सिक्का है, टोटल 340 सिक्के हैं। याद रखिएगा कितने, टोटल आपके पास दोस्तों 340 सिक्का है। अब इसमें क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि सिक्कों का मूल्य 5 रुपये है। मतलब दोस्तों सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। मतलब ये 5, ये 4 और ये 1। अब सुनिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, सिक्कों का मूल्य कह रहा है, ध्यान समझिएगा, सिक्कों का मूल्य कह रहा है। मूल्य का मतलब ये हुआ कि एक है ना 1 रुपये और ये 5 रुपये है, इसका मतलब कि ये मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है, मूल्य दिया गया है, और मूल्य अगर दिया गया है तो जान लीजिए वो रुपए में दिया रहता है। किसमें दोस्तों, रुपए में दिया रहता है मूल्य आपका। तो इसमें क्या कह रहा था सुनिएगा, इसमें कह रहा था दोस्तों कि 1 रुपये का सिक्का जो है आपके पास वो 5 रुपये के मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब चूंकि हम जानते हैं दोस्तों 1 रुपये का सिक्का 5 रुपये के बराबर है, तो 5 सिक्के आपके पास होंगे। उसी तरह दोस्तों सुनिएगा, आपके पास 4 रुपये है, सिक्कों का मूल्य जो है रुपए में रहता है, याद रखिएगा आपके पास 4 रुपये है, 50 पैसे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों 4 रुपये है, 4 रुपये अगर आपके पास हो, कोई कह दे कैसा करो ले के जा एका और 50 पैसा के सिक्का लेके आवा, तो 4 रुपये में आप कितना सिक्का पाएंगे बताइए। क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये में 4×2 यानी कि 8 सिक्के हो जाएंगे आपके पास, 1 रुपये के 5 ही सिक्के रहेंगे। अब 1 रुपये अगर आपको दे दिया जाए, चूंकि मूल्य कह रहा है, तो मूल्य का मतलब 1 रुपये हो गया, तो 1 रुपये अगर दे दिया जाए आपको और कह दिया जाएगा ऐसा करा जा 25 पैसे का छुट्टा करा के लवा, तो 25 पैसे का कितना सिक्का पाएंगे आप, तो चूंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं दोस्तों, तो 1×4 यानी कि 4 सिक्का। अब देखिए दोस्तों टोटल हम लोगों के पास सिक्के कितने हो गए, देखिए 5, 8 और 4, 8×5=13, 13×4=17। इसका मतलब दोस्तों टोटल हम लोगों के पास 17 सिक्के हो गए, टोटल हम लोगों के पास 17 सिक्के हो गए, और कह रहा है कुल टोटल 340 सिक्के हैं दोस्तों, तो 340×17 यानी कि 17×2=34, इसका मतलब हो गया दोस्तों 20 सिक्का, यानी कि 20 सिक्का ये हो गया कि 1×1=20 सिक्के हैं दोस्तों। तो अब क्या कह रहा है, तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी थी, तो चूंकि हम देख रहे हैं दोस्तों 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, मतलब कि 1 रुपये के आपके 1 रुपये का दोस्तों 5 है, तो 5 का मतलब क्या हुआ, टोटल कुल टोटल कितने सिक्के हैं अगर कहेगा, तो टोटल हम लोगों के पास
कितने हैं दोस्तों, इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो 20 20 आपकी संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो यही 20 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक बार मैं और समझाता हूँ, सुनिएगा। कह रहा है 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। तो अब सुनिएगा, कह रहा है कि सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 रुपये का जो सिक्का है वो 5 रुपये के बराबर है। मतलब 5 रुपये अगर आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए, जान लीजिए अगर मूल्य दिया रहे, सुन लीजिएगा, अगर मूल्य दिया रहे दोस्तों, तो जान लीजिए कि आपको छुट्टा कराना है। क्या कराना है दोस्तों? छुट्टा कराना है, चिल्लर। तो अब 5 रुपये का छुट्टा कराना है दोस्तों, 1-1 रुपये का सिक्का लेके आना है, कितने सिक्के लाएंगे आप? 5 सिक्के। 4 रुपये का छुट्टा कराना है दोस्तों, 4 रुपये का छुट्टा कराना है और 4 रुपये छुट्टा कराना है और 50-50 पैसे लेके आना है, कितना सिक्का लेके आएंगे दोस्तों? 8 सिक्के लेके आएंगे, 50 पैसे का 8 सिक्का लेके आएंगे, 4 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये आपको दिया गया दोस्तों और 25 पैसे का छुट्टा कराना है, तो आप ये बताइए कि आपके पास कितने सिक्के आएंगे? तो चूंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के रहते हैं, अब हमने देखा दोस्तों 8, 5, 13, 13, 4, 17, इसका मतलब दोस्तों टोटल सिक्के हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल 17 सिक्के हैं। और चूंकि 340 है तो इसका मतलब 340/17, तो 17 × 34 यानी कि 20 सिक्के। तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है दोस्तों 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के 378 सिक्कों का अनुपात 13:11:7 है, इनमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सुनिएगा, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 3 सिक्के हैं आपके पास और सिक्कों का मूल्य जो है दोस्तों वो 378 है। इसका मतलब दोस्तों सिक्कों का जो मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया हमको? मूल्य दिया गया है दोस्तों, और मूल्य दिया गया है 13:11:7 के अनुपात में। अब एक यानी कि 13 रुपये है दोस्तों मूल्य, मैंने कहा कि मूल्य का मतलब रुपये, तो 13 रुपये, 11 रुपये, 7 रुपये, इसको आपको छुट्टा कराना है दोस्तों। 1 रुपये का, 1-1 रुपये का छुट्टा कराना है 13 रुपये का, 11 रुपये का जो है 50-50 पैसे का। मतलब दोस्तों आपके यहाँ शादी पड़ी है और पंडित जी ने कहा कि जो है 11 रुपया के 50-50 के छुट्टा करवा ला, 50-50 पैसा का है, 7 रुपया के 25-25 पैसा छुट्टा करा ला और 13 रुपया के 1-1 रुपये छुट्टा करा ला। तो दोस्तों जब 13 रुपये का आप 1-1 रुपये लेके आएंगे तो आपके पास कितना सिक्का रहेगा ये बताइए? 13 सिक्का रहेगा। दोस्तों अगर आप 11 रुपये लेकर जाइए बाजार और दुकानदार से कह दीजिए हमको 50-50 पैसे का सिक्का दे दीजिए, तो 11 रुपये में दोस्तों कितना सिक्का मिलेगा आपको? 1 रुपये में 2 सिक्का मिलेगा, तो 11 रुपये में आपको 22 सिक्का मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों 7 रुपये अगर आप लेके जाइए बाजार और कह दीजिए हमको 25-25 पैसे का सिक्का दे दीजिए, तो 1 रुपये में 4 सिक्का मिलेगा, तो 7 रुपये में दोस्तों 7×4=28 सिक्का मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों टोटल आपके पास कितना सिक्का हो गया देखिए, 8, 2, 10, 3, 13 की 3 हंसी लगन, 1, 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि दोस्तों टोटल आपके पास 63 सिक्के हो गए। और देखिए कितनी संख्या है दोस्तों, 378 संख्या है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा, 378 और बटे 63 कर दीजिए, या 378/63 कर दीजिए दोस्तों। तो जब इसको काटेंगे तो देखिए दोस्तों 6 बार जाएगा, तो यानी कि 6×3=18, 63 × 6 करेंगे दोस्तों तो 378 हो जाएगा, 63 × 6 करेंगे दोस्तों 378 हो जाएगा। इसका मतलब कि 6 सिक्के हैं दोस्तों। अब चूंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था, तो 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं दोस्तों? 50 पैसे के हमारे पास 22 सिक्के हैं, तो 22 सिक्के तो दोस्तों 6 है, तो 22 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों? 6×2=12, 6×2=12 हंसी लगे 1 और 6×2=12=13। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 50 पैसे के 132 सिक्के हमारे पास हैं दोस्तों। 50 पैसे के चूंकि देख रहे हैं 22 सिक्का हो रहा है हमारे पास, और चूंकि 1 सिक्का बराबर 6 के है, 1 सिक्का बराबर 6 के है, तो इसीलिए दोस्तों 22 सिक्का कितने के बराबर हो जाएगा? 22×6 यानी कि 132 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यही आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों, एक बार आप वीडियो फिर से देखिएगा और पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है देखिएगा। एक बटुए में 50 पैसे, रुपए 50 पैसे और 25 पैसे तथा 20 पैसे वाले सिक्के हैं। मतलब 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 20 पैसे का सिक्का है, जिनका अनुपात, सिक्कों का अनुपात 1:2:4:5 है। अब चूंकि सिक्कों का अनुपात दिया है दोस्तों, इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल 1 रुपए का एक सिक्का यानी कि 1, 50 पैसे का दोस्तों 2 सिक्का है आपका, 50 × 2 = 100 पैसा हो जाएगा। तो अब देखिए, 1 रुपए का एक सिक्का मतलब 1 रुपए है, चूंकि देख रहे हैं सब पैसे में दिया है, इसीलिए जब आप इसको दोस्तों, इस एक को आप अगर हम इसमें पैसे में बदलें तो ये आपका 100 पैसा हो जाएगा। फिर 50 × 2 करेंगे दोस्तों, 50 × 2 = 100 पैसा, 25 × 4 करेंगे दोस्तों, 25 × 4 = 100 पैसा, 20 × 5 करेंगे दोस्तों, 20 × 5 = 100 पैसा, यानी कितना हुआ देखिए, 1, 2, 3, 4, यानी कि 400 पैसा टोटल आपके पास हो गया। 400 पैसा कह रहा था दोस्तों प्रश्न में, क्या कह रहा था कि सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये है, यानी कि टोटल दोस्तों 400 रुपये है। दो चीज़ हमने कहा दोस्तों, सिक्कों का मूल्य जो है, क्या कह रहा है, सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिएगा पहले, सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये है, तो इसका मतलब दोस्तों 400 रुपये को जब आप पैसे में बदलोगे तो 400 × 100 हो जाएगा, बटे दोस्तों 400 हो जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 4 × 4 अर्थात 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या कह रहा सुनिएगा, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमको पता है 100 आ गया, क्या आया दोस्तों, 100 आया। कहीं दिक्कत है? दीपक कह रहे हैं सर एक बार फिर से बताइए, समझ नहीं आया। ये सुनिएगा, आपके पास 1 रुपये, आपके पास दोस्तों 1 रुपये, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा का सिक्का था। अब दोस्तों इसका जो अनुपात था, 1:2:4:5 था, यानी कि 1 रुपये का एक सिक्का यानी कि 100 पैसा, 50 पैसे का 2 सिक्का 50 × 2 = 100 पैसा, 25 पैसे का 4 सिक्का 25 × 4 = 100 पैसा, 20 पैसे का 5 सिक्का 20 × 5 = 100 पैसा। तो टोटल हम लोगों के पास दोस्तों हो गया 400 पैसा, लेकिन जो रुपए है दोस्तों, टोटल हम लोगों के पास 400 रुपये था, और 400 रुपये का मतलब हुआ दोस्तों 400 और 2 जीरो और लगा दीजिए, इतना पैसा हो गया, और बटे 400 पैसा, तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 4 × 4 अर्थात 100 आ जाएगा। अब क्या कह रहा था, 20 पैसे कितने सिक्के दोस्तों, 5, और 5 × 100 करिए 500 हो गया 20 पैसे का। फिर 25 पैसे का सिक्का, 25 पैसे 4 है तो 4 × 100 करिए 400 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों की संख्या कितनी अधिक है, तो देखिए कितनी अधिक है दोस्तों, 100 अधिक है। ठीक, 20 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 100 अधिक है, तो अर्थात वही 100 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कठिन नहीं है दोस्तों, आप एक बार और सॉल्व कीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, एक थैले में 1 रुपये, मैंने कहा जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको समझाया जाएगा, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, 1 रुपये के हैं, चेंज कर देता हूँ कलर, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है। कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। सुनिएगा अब इसमें क्या कह रहा है, पहले आप इसको बना लीजिए, जो 1 रुपये है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो 50 पैसे का आपका 2 सिक्का होगा, 2 गुनी है। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, मतलब दोस्तों 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है 25 पैसों की सिक्कों की 2 गुनी है, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो 1 रुपये का जितना सिक्का है उसका 4 गुना 50 पैसे का सिक्का है, तो इसका मतलब कि अगर ये 1 रुपये का सिक्का अगर आप
एक मानिए तो इसका चार गुना ये है, यानी कि 4 रुपये है, ये आपका 4 सिक्का है, और ये 4 सिक्का है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 2 सिक्का हो जाएगा, यानी कि 1:4:2 के अनुपात में आपका बना। नहीं समझ में आया, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। प्रश्न में कह रहा था कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, यानी कि ये जितना रहेगा इसका 2 गुना ये रहेगा, या फिर इसका आधा ये रहेगा। और कह रहा है कि 1 रुपये की संख्या इसकी 1 रुपये की संख्या की 4 गुनी है, तो इसका मतलब 1 रुपये की अगर 1 है तो 50 पैसे का 4 होगा और इसका आधा ये है, यानी कि 2 होगा, तो 1:4:2 यही चीज़ है दोस्तों। तो 1 यानी कि 100 पैसा, 50 चौको 20, 200 पैसा, 25 दूना 50 पैसा, तो 2 × 1 = 3, 350 पैसा हो गया दोस्तों। और कह रहा था कुल मूल्य 56 रुपये है, तो 5600/350 दोस्तों, तो ये कट जाएगा हमारा 7×5 = 35, 7×8 = 56, 80, 80/5 करिए दोस्तों, तो 5×5 = 5, 5×6 = 36, 16 आ गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है, तो 16×64, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल भी कठिन नहीं है दोस्तों, कठिन नहीं है, आप एक बार इसको और सॉल्व कीजिएगा, और ये आपका एक होमवर्क है दोस्तों, ये आपका एक होमवर्क है, इसको लगा कर आप बताइएगा, इसको लगा कर आप बताइएगा दोस्तों कितना आएगा इसमें आंसर, ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। तो कहीं दिक्कत नहीं दोस्तों, जहां आप 3-4 बार लगा लेंगे ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो मज़ा आई हो तो जय हिंद लिखिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अभी शाम को 7 बजे। नमस्कार, जय हिंद।